ये जो जिला परिषद के चुनाव हैं, ये जम्मू कश्मीर में एक डेमोक्रेसी का उदय भी माना जा सकता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बट जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का कुछ अलग ही मतलब था। डेमोक्रेसी का मतलब इट वॉज कन्फाइंड ओनली टू फ्यू पोलिटिकल फैमिलीज, इट वॉज कन्फाइंड टू फ्यू पोलिटिकल एलिट्स हु बिलीव्ड इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स। दे नेवर बिलीव्ड इन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स। तभी उन्होंने 73rd अमेंडमेंट को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया, और जो हमारा पंचायती राज एक्ट बनाया गया उसका स्वरूप ऐसा रखा गया कि उसमें ना तो ब्लॉक लेवल के चुनाव हो सकते हैं, उसमें ना तो जिला परिषद के चुनाव हो सकते हैं, और ना ही उन्होंने उनको कभी करवाने की कोशिश की। तो ये जो चुनाव हैं, DDC एक ऐसा थ्री टायर सिस्टम का एक ऐसा लेवल है जिसमें लोगों को एक ऐसा अधिकार मिलता है कि वो अपने डेवलपमेंटल इश्यूज़ को खुद डिसाइड कर सकते हैं। जब 370 को अमेंड किया गया 5 अगस्त 2019 को, तो उस टाइम पे एक ऐसा भ्रम फैलाया गया कि हमें अधिकारों अपने अधिकारों से वंचित किया गया है, पर हमें इससे अधिकार मिले हैं, क्योंकि ये जो संशोधन आया 370 में, उसे हमें वो अधिकार मिले हैं कि हम एक ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इन चुनावों में जिस तरीके से एक लोगों का रुझान देखा गया, लोगों का एक उत्साह देखा गया है, और पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में, और जो एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो LOC के पास हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें जो लोगों का उत्साह देखा जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि लोग कितने उत्साहित हैं कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी में उनकी कितनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और जिस ढंग से एक वोटिंग परसेंटेज देखी गई है कि कश्मीर में लोगों की वोटिंग परसेंटेज 2014 और 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के मुकाबले में इम्प्रूव हुई है, और पुंछ जो एक 90% मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, उधर 75-80% वोटिंग परसेंटेज रही है। तो इससे एक और चीज़ का भ्रम जो है वो ख़त्म होता है।